रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल। तो आज का टॉपिक हमारा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको व्हाट्सएप की सेटिंग के बारे में बताया था कि व्हाट्सएप की सेटिंग किस तरह की जाती है और सही तरीके से किस तरह की जाती है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैट्स, स्टेटस कॉल और थ्री डॉट को प्रेस करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है नोटिफिकेशन, ऑन करेंगे इसे, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आ जाता है कन्वर्सेशन ट्यून्स, ठीक है। तो ये हम यानी कि प्ले साउंड ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज, यानी कि जो हमारे मोबाइल से मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू यानी कि जाता है उसकी ट्यून, और यानी कि जो यानी कि वापस किसी का मैसेज आता है रिप्लाई में, ठीक है, तो वो उसकी ट्यून, ठीक है, वो सेट करने के लिए हम कन्वर्सेशन को ऑन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है मैसेज, मैसेज यानी कि मैसेज के नोटिफिकेशन ट्यून, हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम मैसेज की ट्यून कोई भी सेट कर सकते हैं, मोड पे लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यानी कि कुछ भी लगाना चाहें तो लगा के बैक कर देंगे, ठीक है, वो लग जाएगी। तो सो गाइस ये बैक चला गया। तो उसके नीचे आ जाता है वाइब्रेशन, या देखें हमारी नोटिफिकेशन ट्यून सेट हो गई है अलैन के नाम से, ठीक है। और वेरिफिकेशन नीचे आ जाता है, वेरिफिकेशन को ओपन करेंगे, वाइब्रेट आ जाता है, सॉरी, वाइब्रेट को ओपन करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन दी गई है ऑफ़, इसे हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी की ट्यून आएगी, मैसेज आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो इसे हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे भी जा सकते हैं, शार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट पे कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लाइट, लाइट यानी कि हम वाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यानी कि काफ़ी कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कलर्स हैं, ठीक है। वाइट है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, सियान है, ब्लू है और पर्पल है। सियान होता है ये यानी कि फिरोजी टाइप कलर, ठीक है, ब्लू ब्लू सा स्काई ब्लू उसको कहते हैं सियान कलर, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ठीक है, शो प्रीवियस ऑफ नोटिफिकेशन एट द टॉप ऑफ़ दी स्क्रीन, यानी कि कोई भी यानी कि हमारा मैसेज आएगा तो उसे ये यानी कि टॉप ऊपर वाली स्क्रीन पे जहाँ ये ऊपर वाले नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं इस जगह पे वो शो कराएगा, ठीक है, इस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसे हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। और नीचे आ रहा है रिएक्शन नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसे भी हम ऑन कर देंगे, ये लिखा हुआ नीचे शो नोटिफिकेशन फॉर रिएक्शन टू मैसेज यू सेंड, यानी कि जो तुम सेंड करोगे ना किसी को मैसेज, तो ऊपर यानी कि जब वो ओके हो जाएगा, किसी को सेंड हो जाएगा तो उसका टॉप पे मैसेज आपको शो हो जाएगा, ठीक है, आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है ग्रुप, ग्रुप का यानी कि नोटिफिकेशन ट्यून, आप ट्यून यानी कि कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, साइलेंट मोड वही सेम तरीका कार है, ठीक है, मैं साइलेंट मोड पर लगा देता हूँ क्योंकि ग्रुप बार बार आते रहते हैं मैसेज तो फिर तंग करते हैं, अच्छा, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं वाइब्रेट, वही सेम तरीका कार है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑफ भी, डिफ़ॉल्ट भी, शार्ट भी, लॉन्ग भी, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट में, लाइट भी यानी कि कुछ कोई भी कलर ले सकते हैं आप, 7 कलर्स हैं तो ये आपकी चॉइस है, ना भी लेना चाहें तो कोई का इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, ये वही पहले वाला बता रहा है, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो इसे हम ऑन रखेंगे, पहले यानी कि इस वीडियो में बताया आपको, तो ये दूसरा भी वही है, उसे भी ऑन रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिंग ट्यून इसकी भी हम साइलेंट मोड पे लगा देंगे, और भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है।
उसके बाद वाइब्रेट आ जाती है, वाइब्रेट भी हमने डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया, ठीक है। सो गाइस आज का चैप्टर हमारा यहाँ तक क्लोज होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यानी इस सेटिंग के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना और हमें भी अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखना है। शुक्रिया।